हाय फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स फिर मैं आ गई एक न्यू अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ। इस बार जो मेरा अनबॉक्सिंग वीडियो है वो एक साउंड बर का है। तो लास्ट ईयर दिवाली में हमने एक सोनी का 65 इंच टीवी परचेज किया था और उसका जो वीडियो है वो अनबॉक्सिंग और फीचर हमने इस हमारे चैनल पे हमने अपलोड कर रखा है। अब उसको देखिए, मैं इसका लिंक भी दे दूंगी। और ये जो साउंड बर हमने परचेज अभी किया है इसके पीछे एक छोटा सा स्टोरी है। जब हमने लास्ट ईयर ये टीवी परचेज किया था तभी मेरे बेटा और हस्बैंड का मन था एक साउंड बर परचेज करने का, क्योंकि हम घर पे बैठ के भी एक थिएटर का मजा ले सके। तो तब ये लोग सर्च कर रहे थे, बट जो फीचर इस साउंड बर के अंदर है तब इतने फीचर में उसका प्राइस बहुत हाई में आ रहा था। तो तभी हमने टीवी भी लिया था, तो थोड़ा सा हम रुक गए। अभी जस्ट हमने साउंड बर परचेज किया है और इसका जो मॉडल नंबर है ये है फ्रेंड Q990V। ये इसका बॉक्स है, ये सैमसंग का है बेसिकली, और इसका मॉडल नंबर यहाँ पे भी लिखा हुआ है Q990V XL। और इसमें क्या क्या एक्सेसरी है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, जैसे इसमें आपका देखिए स्पीकर है, सबवूफर है, आपका सराउंड स्पीकर है। उसके बाद इसका दिया हुआ है कि क्या प्राइस है इसका, तो सैमसंग की तरफ से ये प्रिंटेड प्राइस जो है 1,49,900, बट इसका सैमसंग का साइट पे दिया हुआ था 90,900। और हमें क्या प्राइस में मिला है, क्या हमें ऑफर मिला है, अट्रैक्टिव प्राइस में मिला है, वो भी मैं वीडियो के दौरान आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग वीडियो में बने रहिए। और इसका मैन्युफैक्चरिंग जो डेट है इसमें June 22 लिख रखा है। तो चलिए फ्रेंड, आप अभी इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, सैमसंग के अभी आएंगे अनबॉक्सिंग करने के लिए, तो अनबॉक्सिंग करते हैं इसको। तो नरेंद्र भैया आए हैं अभी अनबॉक्सिंग के लिए, हम पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और जो हमारा इसका पैकेजिंग है वो भी देख लेते हैं कि ठीक ठाक है कि नहीं। तो नरेंद्र भैया स्टार्ट करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। yes, चलिए ले स्टार्ट। ये फुल अभी टेप क्या हुआ है, पैक है जी, इसको मैं ओपन कर रहा हूं। सिंगल टेप है इसमें, पहले ही हमने चेक कर लिया था। ये पॉइंट है, कोई भी आप पैकिंग देखते हैं ना तो उसमें टेप का बहुत ज्यादा इश्यूज आती है। अगर टेप में कट पिट है, कोई शेड है, तो हमें पता लग जाता है कि प्रोडक्ट पहले से छेद का नहीं हुआ है। ये तो बिल्कुल फ्रेश था। एक बार हाँ ये वाला भी दिखा दीजिए अच्छे से, इसके नीचे बहुत अच्छा पैकिंग है आपका। आई एम रियली सैटिस्फाइड विद पैकिंग। बॉक्स के अंदर कुछ तो नहीं है ना नरेंद्र? नहीं मैम। ठीक, साउंड बार का रिमोट है, उसको भी ओपन कर दीजिए आप जी। ये रिमोट है, वेरी ब्यूटीफुल जी। ये इसकी बैटरी है, बैटरी ओके। ये इसकी मेन लीड है साउंड बार की, जो पावर कनेक्शन जी 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 जी। ये इसकी HDMI केबल है ओके, जो इसको कनेक्शन रहेगी ओके। और ये सेकंड वाले की है। अच्छा, ये इसका स्टैंड है। ये स्टैंड से बड़े में ही लगेगा मेरे ख्याल से, इसलिए दो दिया हुआ है। ये इसमें लगेगा, बड़े वाले इसमें लगेगा, बाहर में लगेगा, बॉल से हैंग करने के लिए इसको। ओके ओके, बट अगर हम हॉल में हैंग नहीं कर रहे तो उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना? केबल पे डायरेक्ट जी 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 इस प्रकार से दोस्त जी।
और वो बॉक्स उसी में था ये जी, और तो कुछ नहीं है? नहीं, ठीक है। ये इसके स्क्रूज आते हैं जो कि पेज है। ओके, करें इसको ओपन? हां हां हां, श्योर करें। मैं सारे डिटेल्स बाद में बताती हूँ, अभी सिर्फ हम अनबॉक्सिंग ही कर रहे हैं, तो अनबॉक्सिंग में देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमें मिला है, फिर मैं डिटेल्स में बताऊंगी। छोटे स्पीकर, ये छोटे ये ट्रांसफर है, नीचे गिर गया था क्या? ये कहाँ से आ गया? देखिए ये केबल का है, केबल था गिरा नहीं मैंने। अच्छा, इसमें था क्या ये? दिस इज द शो स्टॉपर बेसिकली, है ना? ये सबसे सुंदर चीज है। तो नरेंद्र भैया, थैंक यू सो मच फॉर अनबॉक्सिंग एंड वी आर रियली सेटिस्फाइड विद आवर पैकिंग। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था कि ये साउंड बार के लिए मेरे बेटा ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, तो इसीलिए फीचर्स ही उसी को पता है, तो मैं चाहती हूँ कि जो इसका फीचर है ना, वो मेरा बेटा ही आप लोगों को बताए। बेटा आ जाए, चल बता दें फीचर्स। हाँ, तो फीचर्स बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मम्मी ने कहा कि हमें चाहिए था एक होम थिएटर वाला साउंड सिस्टम, तो होम थिएटर वाला साउंड सिस्टम में तो बहुत कुछ आता है, लेकिन हमने साउंड बार इसलिए चुना है क्योंकि बहुत नीट रहता है एक तो, और ऊपर से तब के टाइम पे एक तो हमने 1 लाख के आसपास खर्च कर दिया था टीवी पे, है ना? तो टीवी पे खर्च करने के बाद इतना नहीं रहा हमारे पास बजट, तो बजट के हिसाब से हम देख रहे थे 18-20,000 के अराउंड साउंड बार, जो जिसमें हमें जो चाहिए था जैसे डॉल्बी एटमोस, डीटीएक्स का सर्टिफिकेशन, वो सब मिल तो जाता है लेकिन फिर वो इफेक्ट नहीं आता अच्छे से, राइट? तो वो फिर आप, अगर आपको अच्छे से चाहिए तो आपको कम से कम 50 के ऊपर तो खर्च करना ही पड़ेगा, राइट? लेकिन जो हमने लिया है वो मतलब एकदम टॉप पे तो कह ही सकते हैं आप, इससे ऊपर और जा सकते हैं लेकिन फिर वो मतलब कोई इतना खास फीचर आपको नहीं मिलता इससे अच्छा। तो फीचर्स पे पहले मैं बता देता हूँ कि ये 11.1.4 चैनल वाला साउंड बार है, जो वर्ल्ड में सबसे पहला है तब के टाइम पे, ये रिलीज हुआ था कुछ अप्रैल मई के अराउंड, तो तब के टाइम पे ये वर्ल्ड का नंबर वन था। और 11.1.4 का मतलब है कि 11 चैनल ऑडियो, एक आपका सबवूफर जो बेस देता है, और 4 अप फायरिंग स्पीकर, जो इसमें 2 है और इसमें 1 है, मतलब 2 रियर पे हो गए और 2 साउंड बार पे हो गए, ठीक है? इसका टोटल आउटपुट हो गया आपका 656 वॉट का, जो हम अभी सुन रहे थे वो मतलब हम 30 वॉल्यूम पे तो सुन रहे थे, उसके ऊपर जा रहे थे तो इतना ऐसा लग रहा था जैसे घर मतलब आसपास के जो नेबर है वो आके बोलेंगे भैया बंद करो, बंद कर दो थोड़ा। तो इसके बाद एक और फीचर मैं बताता हूँ आपको इसका, कि ये जो सबवूफर है वो 8 इंच का है, और इसका जो ये डायमेंशन जो है शायद 16x16 इंच का है वो, और अगर आपको डेप्थ में देखना है वो आप देख लेना वेबसाइट पे। और इसका जो ये रियर स्पीकर्स है, इसमें 3 ड्राइवर्स हैं, उसमें जो ईच ड्राइवर है वो 0.5 वॉट वाला है, और इन सबका एक एक अपना अपना मतलब यूज़ है। इसका तो मतलब टॉप जो है वो ऑफकोर्स ऊपर से फायर करेगा, जो ऊपर से फायर कर रहा है इसका मतलब ये है कि ऊपर से फायर करेगा और फिर हमारे कानों पे आएगा, तो ऐसा लगेगा जैसे कोई हेलीकॉप्टर है वो चल रहा है और वो हमारे ऊपर है, उसकी जो फर 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 जो होता है ऐसा लगेगा ऊपर हो रहा है, हमारे सर के ऊपर हो रहा है, जस्ट वही डॉल्बी का एक मतलब
इफेक्ट है और ये साइड से है, और साइड से मतलब के वॉल्स है, वहां से रिफ्लेक्ट होके आपके कान में आएगा तो साउंड स्टेज थोड़ा और बढ़ जाता है, तो थिएटर जैसा लगता है आपको, और इस सीधा फायर करेगा। मैंने यहाँ पे डाल रखा है, और आप फिर मैं कह रहा हूँ कि रियर स्पीकर्स है, मैंने अभी तो इसलिए डाल रखा है जिससे आपको दिखा सकूँ अच्छे से, नहीं तो आगे पीछे बार बार करना पड़ता। तो ये वैसे तो आप फ्रंट पे भी रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फ्रंट पे रखेंगे तो वो डॉल्बी वाला इफेक्ट नहीं आएगा। ये बेसिकली सैमसंग ने बनाया ही है रियर के लिए, तो आप उसी के हिसाब से आप थोड़ा डिजाइन करना अपना रूम है वो भी। और उसके बाद मतलब ये भी सिमिलर ही है, तो इनके बीच में कुछ इतना डिफरेंस नहीं है। उसके बाद साउंड बार आ जाता है जो मेन कंपोनेंट है। तो साउंड बार में जो कनेक्टिविटी मैं आपको बोलूंगा, कनेक्टिविटी में HDMI आते हैं तीन, दो इनपुट और एक आउटपुट, और फिर आपका आता है ऑप्टिकल पोर्ट जिसके थ्रू मतलब ऑडियो ही पास होता है। वो कल वैसे तो नॉर्मल बंदा नहीं यूज करता है, लेकिन ऑप्टिकल उनमें यूज होता है, जैसे डिस्क प्लेयर जो होते हैं वो है, तो उसके साथ ऑप्टिकल केबल के साथ वो इजीली कर पाता है। और उसके बाद एक USB है, लेकिन वो हमारे काम के लिए नहीं है, वो USB पोर्ट सब स्पीकर में है, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो सैमसंग वाले वो यूज करते हैं जिससे वो ठीक कर पाए आपकी डिवाइसेस को। इसमें और कनेक्टिविटी में ये आता है कि फिर वायरलेस के आ जाते हैं, जैसे वाईफाई है आपका, ब्लूटूथ है, और फिर एप्पल का भी एयरप्ले सपोर्ट है इसमें। और उसके बाद असिस्टेंट में एलेक्सा भी है, बट वो मतलब शुरू हो गया मेरा एलेक्सा तो वो है, बट आपको उतनी जरूरत नहीं आएगी, मतलब कौन ही यूज करता है इतना एलेक्सा। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, मेरे पास स्पॉटिफाई है जैसे, उसके साथ मेरा ये डायरेक्ट कनेक्ट है, तो मैं डायरेक्टली अगर मैं गाना चलाना चाहूँ तो TV ऑफ करके आराम से चला सकता हूँ, वो इसके साथ है। और ऊपर फिर आपको यहाँ पे चार बटन मिल जाएंगे, पहला वाला तो है फंक्शन, फिर है नेगेटिव वॉल्यूम के लिए, फिर पॉजिटिव वॉल्यूम के लिए, और लास्ट वाला है म्यूट के लिए। तो ये चार बटन आपको मिल जाते हैं, और इधर आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। डिस्प्ले पे जैसे अभी TV आपको दिख रहा है, TV ER, ये कनेक्टेड है TV के साथ इसलिए TV ER दिख रहा है। यहाँ से जब आप चेंज करेंगे मोड वो सब, तो आपको मोड्स दिखेंगे। जैसे मैंने अभी सेटिंग्स वाला बटन दबाता हूँ, ये सेटिंग्स वाला बटन दबाता हूँ, तो हार्ड प्रेस करना पड़ता है थोड़ी टाइम के लिए। हाँ, तो देखिए यहाँ पे और ऑटो EQ मोड आ गया, और भी वो मोड है वो मैं आपको बताऊंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये हो गया साउंड बार, ये तो मैंने आपको स्पेक्स बता दिए इसके। अब मैं आपको बताता हूँ इसके फीचर्स में पहले आपको बता देता हूँ साउंड मोड क्या क्या है। इसमें चार साउंड मोड है, पहला है स्टैंडर्ड, फिर है सराउंड, फिर है अडेप्टिव, और चौथा है गेम। गेम मोड मैंने इतना नहीं ट्राई किया क्योंकि मेरे पास PS5 और Xbox नहीं है, तो वो मैं ट्राई नहीं कर पाया। लेकिन स्टैंडर्ड में आपका सिर्फ ये जो साउंड बार है वही चलेगा, और रियर वाले स्पीकर्स नहीं चलेंगे। और फिर आपके अडेप्टिव आता है और सराउंड आता है। सराउंड में ये सब फायर करना शुरू कर देते हैं, और जो इसका प्रोफाइल है, साउंड प्रोफाइल है, वो बिल्कुल सेम रहता है। लेकिन अडेप्टिव में क्या करता है, ये जो आपका कॉन्टेंट होगा ना उसके हिसाब से चेंज कर देता है साउंड प्रोफाइल। जैसे आपका म्यूजिक बज रहा होगा तो इसके हिसाब से वो थोड़ा बेस बढ़ा देगा, थोड़ा हाईस को भी बढ़ा देगा, तो थोड़ा अच्छा लगता है आपको सुनने में। मुझे तो ज्यादातर सराउंड में ठीक लगा, क्योंकि मुझे ज्यादा बेस नहीं पसंद, मुझे ठीक ठाक सब कुछ नॉर्मल बिल्कुल साउंड प्रोफाइल ही अच्छा लगता है, तो वही मैं ज्यादा यूज करता हूँ। लेकिन आपकी मर्जी है, वो तो सब पे डिपेंड करता है। तो इसके बाद एक और इसका फीचर जो है इसमें है EQ आप सेट कर सकते हैं। इसमें EQ आप बेस और ट्रेबल का सेट कर सकते हैं, जो -6 से +6 जाता है, और आप सबवूफर का अलग से EQ सेट कर सकते हैं, उसका सिर्फ बेस ही कर सकते हैं क्योंकि वो बेस के लिए बना है, और वो जाता है -12 से +6। मतलब वो इसीलिए दे रखा है जिससे अगर किसी को बेस नहीं पसंद बिल्कुल ही, तो वो माइनस में बिल्कुल चला जाएगा। और फिर आप एक और काम कर सकते हैं, वो है ईच जो इसमें जो स्पीकर है उसका भी आप EQ सेट कर सकते हैं, लेकिन इतना कौन करने जाएगा वही बात हो जाती है, मतलब आप जितना चाहे, वो तो फीचर्स दे रखे हैं, आपके ऊपर है, आप यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो मत कर लीजिए। अदर जो आपके फीचर्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए नहीं, जो मेन फीचर्स थे, जैसे ऑटो EQ है, जो वो सबवूफर है उससे वो कैलिब्रेट करता है,
तो कैलिब्रेशन क्या करता है, जो साउंड प्रोफाइल है ना इसका पूरे का, मतलब वो सबवूफर चलेगा आपका 2 मिनट तक चलेगा, वो फिर कैलिब्रेट करेगा उसके हिसाब से कि आपका डायमेंशन कैसा है रूम का, और फिर वो जो कैलिब्रेशन करके साउंड प्रोफाइल देता है ना बहुत बढ़िया देता है वो, मतलब आपको मजा आ जाएगा बिल्कुल। और वो मैं मानता हूँ वो करने लायक है, वो आप बिल्कुल कर लेना एक बार इस, अगर आप इसको ले तो। फिर आपका आ जाता है स्पेस फिट, यही नाम है उसका। तो स्पेस फिट में ये क्या करता है, जैसे इसके जो साउंड प्रोफाइल पहले से जो ऑटो इक्यू ने बना रखा है ना उसको और थोड़ा एनहेंस कर देता है। वो मेजरली सैमसंग ने इसलिए बनाया है क्योंकि उसके जो टीवी है नियो करके कोई टीवी है उसके साथ वो ज्यादा अच्छे से काम करता है, क्योंकि उसमें कुछ अडेप्टिव साउंड होता है फिर वो उसके हिसाब से चेंज करता है। तो बेसिकली उसका मतलब ये है कि अगर आपके पास सैमसंग टीवी है और वो नियो वर्जन वाला है तो उसके साथ बेटर काम करेगा। फिर आपका आ जाता है AVA जो है एक्टिव वॉइस एम्पलीफायर। तो उसमें क्या होता है कि जैसे अगर आपको स्पीच, मतलब को मूवीज कभी कभार सुनते हैं तो जो डायलॉग्स बोलते हैं ना वो कभी कभार आपको सुनाई नहीं देते सही से, तो वो क्या करता है वो जो फ्रीक्वेंसीज है ना उनको बढ़ा देता है, और वो थोड़ा मुझे लगता है AI टाइप है क्योंकि उसका एक और है वॉइस एनहांसमेंट भी है। तो उन दोनों में ये डिफरेंस यही है कि ये थोड़ा AI वाला है और वो थोड़ा नॉर्मल है। और भी ऐसे फीचर्स हैं, जैसे एक है बेस एनहांसमेंट, तो बेस एनहांसमेंट का मतलब तो समझ ही गए आपकी बेस बढ़ा देगा। और दूसरा है नाइट मोड, नाइट मोड में क्या करेगा ये थोड़ा अपना साउंड कम कर देगा, जिससे अगर आप कुछ रात को टीवी देख रहे हैं, मतलब थिएटर वाला माहौल है बिल्कुल, और मतलब 12 बज चुके हैं और अगर आप चला रहे हो ये चला रहे हो तो फिर तो आसपास वाले आ ही जाएंगे, तो नाइट मोड क्या कर देगा कम कर देगा, बेस कम कर देगा, सब कुछ कम कर देगा, लेकिन आपका एंजॉयमेंट बिल्कुल बढ़िया रहेगा। उसके बाद एक सिंक डिले भी आता है, जैसे कभी कभार क्या होता है कि जो इधर पिक्चर में आ रहा है ना वो कभी कभार बिल्कुल सिंक नहीं हो पाता है आपके ऑडियो के साथ, अगर वो आपको ठीक करना है तो आप इसमें वो भी ठीक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपका जो ये स्पीकर्स है सराउंडिंग स्पीकर्स वो कहाँ रख रखे हैं आपने, आपने फ्रंट में रखा है कि रियर पे रखा है, वो भी आप बता सकते हो, उसके हिसाब से ये उस साउंड प्रोफाइल को भी ट्यून कर देगा। तो ये सब तो हो गए फीचर्स इसके। इसका जो नेक्स्ट फीचर मैं बोलूँगा वो है इसका रिमोट। रिमोट में आपको जो जितने भी बटन्स दिखेंगे वो बिल्कुल इसके काम के है, और एक भी आपको एक्स्ट्रा बटन नहीं दिखेगा। पहला जो बटन, मतलब वो पावर वो सब तो होता ही है, ये सोर्स के लिए है कि आपको सोर्स चेंज करना है उसके लिए होता है। फिर आपका ये ब्लूटूथ वाला है, तो ब्लूटूथ का आप ये दबाएंगे तो वो पेयरिंग पे हो जाएगा और आप अपने डिवाइस से पेयर कर सकते हैं। ये जो है ये स्क्रोलेबल नहीं है, बट ऊपर नीचे डाय बाय आप क्लिक कर सकते हैं और पॉज एंड प्ले है ये। फिर आपका ये म्यूट है, साउंड मोड आप इससे चेंज कर सकते हैं एक ही बटन से, एंड देन इसका कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप ये बटन दबाएंगे तो मिल जाएगा। फिर आपका ये जो बटन है वो आपका ऊपर नीचे भी हो जाएगा एंड देन क्लिक भी हो जाएगा। ये मुझे बहुत प्यारा लगा कि मतलब एक ही बटन से 3 फंक्शंस, ये बहुत प्यारा है। और ये जो वूफर है तो इससे आप ना, मतलब जो मैंने आपको वूफर का EQ बताया है वो आप यहाँ से ही कर सकते हैं। फिर आपका ये चैनल लेवल है जो मैंने आपको बताया कि चैनल लेवल ईच स्पीकर का, वो आप ये बटन दबाएंगे तो खुल जाएगा मेन्यू, मतलब वो LED जो आपका स्क्रीन है वहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा एंड देन आप वहाँ पे सेट कर सकते हैं इन बटन्स के थ्रू। एंड देन ये सेटिंग्स मेन्यू है जिसमें अलग अलग सेटिंग्स है, जैसे ऑटो EQ आपको इधर ही दिखेगा, स्पेस फिट का ऑप्शन भी आपको इधर ही मिल जाएगा, और भी जितने ऑप्शंस है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर आपका टोन कंट्रोल है, जो एक मैंने EQ बताया था सिर्फ बेस और ट्रेबल बढ़ाने या कम करने के लिए, वो यहाँ से कंट्रोल होता है। बाकी इसके साथ एक और ऐप आता है, इसका कंपेनियन ऐप बोल सकते हैं। तो ये ऐप है जो सैमसंग की तरफ से है, इस ऐप का नाम है स्मार्ट थिंग्स। ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा और एप्पल के ऐप स्टोर पे भी मिल जाएगा। इस ऐप से आप क्या क्या कर सकते हैं मैं बता देता हूँ, मतलब इस ऐप से आप क्या नहीं कर सकते वो एक बात है, क्योंकि इस ऐप से आप पूरा साउंड बार आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा साउंड फ्रॉम, तो आप ये भी चेंज कर सकते हैं। अभी तो ये मेरा TV के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे अगर आपके 2 जो HDMI है उसके साथ भी अगर कोई और डिवाइसेस कनेक्टेड है वो भी दिखाएगा,
और ब्लूटूथ भी दिखा रहा है क्योंकि ये मेरा फोन है तो इसलिए दिस फोन दिखा रहा है। तो अगर मैं ब्लूटूथ पे कनेक्ट करता हूँ तो ये सीधा साउंड बार से कनेक्ट हो जाएगा। फिर आप इसका वॉल्यूम भी सेट कर सकते हैं, ज़्यादा कम कर सकते हैं। फिर जितने भी मैंने आपको फीचर्स बताए, जैसे साउंड मोड आप देख सकते हैं, इधर चारों के चारों साउंड मोड है, मैंने अभी सराउंड में कर रखा है क्योंकि मैंने कहा वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। उसके बाद यहाँ पे इक्वलाइजर भी बताया आपको मैंने, ये तो अभी टोन पे रख रखा है, जो इसका अपना साउंड प्रोफाइल है उसके हिसाब से रख रखा है। यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं, +6 कर सकते हैं, -6 कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। उसके बाद सब वूफर का भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि +6 हो जाएगा, -12 भी हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से ये जो ऑटो इक्यू है ये चालू भी कर सकते हैं, जो रिमोट के थ्रू है वो थोड़ा सा मतलब मुश्किल है, आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आपको फीचर ऑन करना है और वो कैसे ऑन भी होता है, वो भी थोड़ा टेढ़ा मेरा काम है। लेकिन अगर आपने इसके साथ ये कनेक्ट कर लिया तो वो बस इसको टॉगल करना है, वो खुद ब खुद शुरू कर देगा। उसके बाद साउंड फिट को भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, AVA को भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर एडवांस साउंड सेटिंग्स में जितने भी मैंने कहा था और भी जो साउंड सेटिंग्स है वो आपको इधर मिल जाएंगे और वो टॉगल ऑन ऑफ आप आराम से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे, उस 3 डॉट में एक तो डिवाइस सेटिंग्स है। डिवाइस सेटिंग्स में आप पहले आपको नेटवर्क स्टेटस दिख जाएगा। नेटवर्क स्टेटस में मतलब ये है कि कौन से वाईफाई से ये कनेक्टेड है और वो होगा आपके साउंड बार का। फिर चैनल लेवल है, जो कि मैंने आपको कहा था कि ईच आपके ड्राइवर का जो EQ है वो भी आप सेट कर सकते हैं, वो इधर सारे का दे रखा है। एंड देन यहाँ पे ऑडियो सिंक है, जो आपको मैंने कहा था कि कभी कभार ऑडियो सिंक नहीं होता है वीडियो के साथ, वो आप इधर ठीक कर सकते हैं, +300 मिलीसेकंड्स तक कर सकते हैं। देन आपका आ जाता है स्पीकर मोड, जो आपके दो और स्पीकर्स है, सराउंड स्पीकर्स है, रियर है या फ्रंट है, वो भी आप इसमें बता सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपका साउंड प्रोफाइल कैलिब्रेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सब इस साउंड बार के फीचर्स थे जो मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया। थैंक यू बेटा, आपने बहुत अच्छे से डिटेल में सारी चीजें बता दिया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को भी काफी सारी चीजें क्लियर हो गया, और अगर आप लोग साउंड बार परचेज करने के लिए सोच रहे हैं तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। वैसे तो बेटे ने सारी चीजें डिटेल में बता ही दिया है, बट स्टिल आप लोगों का अगर कोई भी क्वेरी होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके पूछिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे। और आप लोग हमारी वीडियो देखिए और लाइक शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे को टाइम ही बहुत कम मिलता है, बट आप लोग थोड़ा देखते हैं और कमेंट्स देते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिल जाते हैं। इसका प्राइस के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो प्रिंटेड प्राइस था उसमें वो तो 1.5 लाख लिखा हुआ था, और 26 जनवरी रिपब्लिक डे पे इसका एक डिस्काउंट मिल रहा था सैमसंग की तरफ से, उनके साइट पे जो था वो 1 लाख का करीब था। तो हमने रिलायंस डिजिटल से परचेज किया है, वहाँ पे हमें अराउंड 80,000 के करीब मिला है। तो आप भी अपने आसपास के डीलर से बात कर लीजिए अगर आपको लेना है तो, और थोड़ा सा और बार्गेनिंग कर लीजिए अगर आपको और सस्ते में मिल रहा है तो अच्छा है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर आती हूँ एक नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।